प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट्स ऑफ मैटर्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये एकदम। अब यहाँ पर ध्यान देना हमें किसके, देखो मैटर्स हमारे पास पहली क्लास में हम देख चुके हैं मैटर क्या होते हैं, पूरे उसके बारे में पूरा क्रियाक्रम कर चुके हैं इसका, है ना। आज हम देखने वाले इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट टेक्निक्स, भाई किस हिसाब से इसको मेजरमेंट करते हैं, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें हम देखेंगे क्लास में, आगे देखेंगे इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ देखो प्रॉपर्टीज़, अगर मैं किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी की बात करूँ या फिर हम मैटर ले रहे हैं तो मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर की अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ कितने टाइप से प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं उस पर, दो टाइप से। एक होता है कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास में, फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक हमारे पास में क्या होता है, डिफरेंस क्या दोनों में, डिफरेंस क्या दोनों में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन पता है क्या होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे तो हम फिर से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं, वो तो केमिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पे तो ये नहीं बन पाया, इसको थोड़ा समझिएगा, है ना। यहाँ देखना फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, अगर उसमें मैं बिना केमिकल चेंज किए उसकी प्रॉपर्टी को बता देता हूँ देख करके या फिर सूंघ करके, है ना, या फिर टेस्ट करके, जो हमारे फाइव ऑर्गन्स होते हैं ना सेंस करने के लिए, उनके थ्रू अगर सब्सटेंस से बिना केमिकल चेंज किए उसकी प्रॉपर्टी को अगर मैं बताता हूँ तो वो होता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें मैं चेंज करके, उसको केमिकली वहाँ चेंज करके अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी को बताता हूँ तो क्या हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ पाया नहीं, आया नहीं आया। इसको सिंपल आप कैसे समझ सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी को मैं हमारे अंदर जो फाइव ऑर्गन्स होते हैं सेंस करने के लिए उसके हेल्प से बता पाता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो ये हमारे पास में क्या है, चेयर है, इसको मैं छू करके बता सकता हूँ, बता सकते हैं, ये हमारे पास में ये है, टच किया बता दिया क्या है, ये सॉलिड है कि नहीं है, मतलब क्या है इसको, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। बात समझ पाया, नहीं आया ठीक। या फिर जैसे कि हम जैसे कि समोसा बनते रहते हैं, सुगंध आता है तो हम बता दें अरे बहुत अच्छा सुगंध, काफ़ी टेस्टी समोसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी को हम बता रहे हैं तो हम कैसे बताएं उसको, सूंघ करके, स्मेल ले करके। बात समझ पाया नहीं आया, मतलब उसको हम कहाँ से सेंस किए, हमारे ऑर्गन से सेंस किए, मतलब वो किस में आएगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। बात समझ पाया नहीं आया, चलिए लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में, which can be observed without making any change in matter, making, दिख रहा है ना, any change in matter, सिंपल सा फंडा है ना। क्या कहा मैंने कि अगर मैं मैटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें बिना, मतलब जो उस, मतलब मैटर में बिना चेंज किए अगर उसकी प्रॉपर्टी को मैं बताता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो क्या कहलाता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ भाई, कलर, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर का है, इसको मैं देख करके ही बता दिया, इसमें मेरे को केमिकली चेंज करने की नीड पड़ी क्या, नहीं, देख करके ही बता दिया, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे जब आप लोग आगे क्लासेस करोगे ना, या फिर यदि आप लोग MBBS भी करते हो, है ना, तो उसके समझिए आपको लैब तो जाना ही पड़ेगा, आपको सब्सटेंस मिलेगा, तो सब्सटेंस में आपको क्या क्या दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेक करना होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेक करना होता है, या फिर इसको मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, वहाँ पे आपको बताना होता है कलर कैसा है, स्टेट कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, उस पर अनसेचुरेशन कैसा, वगैरह वगैरह आपको वहाँ पे टेस्ट करना पड़ता है, है ना। तो ये किस में आएगा, फिजिकल टेस्ट में आएगा कलर। बात समझ पाया, नहीं आया, अगला देखो यहाँ पे ऑर्डर, स्मेल क्या होता है, स्मेल को भी क्या मैं उसमें चेंजेस केमिकली चेंज करता हूँ क्या, नहीं, वो तो हम देख के बता सकते हैं, या फिर क्या जा सकते हैं इसमें, टेस्ट। बात समझ पाया, नहीं है, बढ़िया लग रहा है, मतलब क्या है वो,
टेस्ट हम ऐसे ही बता दिए, इसमें चेंजेस करना पड़ेगा कि अपने को नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब किस में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। या फिर हम बात करें किस चीज़ की, या फिर फ्लूडिटी, बहने वाला है ना, उसको क्या मैं, जैसे कि मान लो पानी वगैरह नदी में वो बहता है, पानी उसमें बह रहा है ना, उसको देख के बता उसकी फ्लूडिटी उसमें है नहीं है कि नहीं है, उसके लिए कुछ चेंजेस वगैरह करने की नीड है क्या? नहीं है। मतलब वो भी किस पे आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ, जिसको आप लोग अपने जिसका सेंस या फिर जिसकी प्रॉपर्टी को आप अपने फाइव ऑर्गन्स के हेल्प से बता सकते हो, फाइव ऑर्गन्स के थ्रू बता सकते हो सेंस करके, तो किस में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। बात समझ पाया? इतना नहीं आया, आ गया? ठीक। अगर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? विच कैन बी ऑब्जर्व, लिखो यहाँ पे, विच कैन बी which can be observed when some chemical changes, when some chemical changes, है ना? बात समझ पाया? नहीं आया, आ गया? ठीक है। मतलब क्या, अगर मैटर की प्रॉपर्टी को उसमें केमिकली चेंज करने के बाद मैं बता पा रहा हूँ तो किस में आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। बात समझ पाई इतनी? ठीक। एग्जांपल के लिए क्या, देखो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, ये सब को पता लगाना किस में आता है? केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर किस में आता है? केमिकल प्रॉपर्टी में आता है सारी चीज़ें, है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, हमने यहाँ पर बात किया एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की। एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे कि आपको नाइन्थ क्लास में क्या पढ़े हो, एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं ना, तो नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं एसिड स्वाद में या फिर टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो टेस्ट को तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बता सकते हैं, लेकिन अब यहाँ बोल रहा हूँ मैं एसिडिक कैरेक्टर को मैं किसने बताऊँगा? केमिकल प्रॉपर्टी में। बस समझ पा रहे? नहीं आ रहे, रीज़न क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दो, एसिड्स, एसिड का मतलब क्या, नींबू का रस, इमली का रस, ये बातें भूलो आप, है ना? एसिड मतलब क्या समझना आपको, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ इसको जरा टेस्ट करके बताना, स्वाद में खट्टे का इससे मुंह जल जाएगा, है कि नहीं? बेस, बेस कैसे होते हैं? हाँ, कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करके देखना, डायलो कंसनट्रेटेड, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी मुंह जल जाएगा। एसिड हो चाहे बेस हो, अगर लग जाए तो जला देते हैं। बस समझ पाया इतना? ठीक। तो उसको हमें टेस्ट वेस्ट करके उसको चेक नहीं कर सकते, स्वाद में खट्टे वट्टे वाला सिस्टम हटाओ यहाँ पे। ठीक है, बेसिसिटी, सिंपल फंडा, एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए आपको सिखाया हूँ, नहीं सिखाया हूँ? एसिडिटी चेक कैसे करना है, कोई भी एसिड रहेगा उस पर एच प्लस बाहर निकालो, क्या बन जाएगा वो? कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस बनने के बाद क्या चेक करना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी कहाँ से चेक करोगे? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट से, जो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिडिटी। बात समझ पाया? केमिकली चेंज किया उस पर मैं, केमिकली चेंज कर रहा हूँ ना, बेस से एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस उसको बना रहा हूँ, फिर स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। बात समझ पा रहे? नहीं आ रहा, तो सब किस में आएगा? उसके केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में मैं क्या चेक करता हूँ? एसिडिक कैरेक्टर। बात समझ पाया? नहीं आया, या फिर एसिडिटी या और बेसिसिटी। बात समझ पाया इतना? ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो, अगर एसिड प्लस बेस को मिलाता हूँ तो क्या बन रहा है यहाँ पे? सॉल्ट बन रहा है ना, और क्या बाहर निकलता है? H2O। ठीक है, तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे भाई? एसिड और बेस अगर दोनों को मिक्स करोगे तो वहाँ से क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि उसमें एसिड और क्या मिला हुआ है? बेस मिला हुआ है, अब क्या बाहर निकलेगा? H2O। बात समझ पा रहे इतना? तो ये सारी चीज़ें किस पे आएगी? केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम फाइव, मतलब सेंस करने के लिए फाइव ऑर्गन्स का यूज़ करके हम सेंस कर सकते हैं, होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, और जिसमें केमिकली चेंज करके मैं उसके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर वगैरह इसमें चेक करते हैं। बन जाएगा इतना? आप लोग का कल बात बना? हाँ, बन गया। तो काम एक को था, सब लोग क्यों गए थे? मिला? कब से मिलेगा? नहीं पता, दिलवा देंगे, है ना? बन जाएगा इतना? ठीक।
तो ये होता है यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म। आप कोई पूछेगा बता दो कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग बता लेना, ठीक है? आप लोग का जब वाइवा होता है ना, वाइवा प्रैक्टिकल के बाद में वह जो एक्सटर्नल आते हैं तो क्वेश्चन वगैरह यहीं से बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। ये सारी चीज़ एकदम मुँह बोली याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें याद रखते हैं सब चीज़, ठीक है? बन जाएगा इतना। अगला हेडिंग डाल देंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है भाई? नापना किसी भी चीज़ को, है ना? अब देखो हमारे पास में जो मैटर है इसको मैं किन किन तरह से नाप सकता हूँ, ठीक है भाई? मैटर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके पास क्या हो, वैल्यूम हो, जिसके पास क्या हो, मतलब जिसके पास पर्टिकुलर मास हो और जो क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या होता है, मैटर होता है, उसको मैं किसी भी टेक्निक से नाप सकता हूँ। बात समझ पाया है कि नहीं भाई? हमारे देखो किसी भी टेक्निक से उसको मापा जा सकता है। जैसे कि मान लो हमारे पास में क्या है, पानी है, पानी कैसे नापूंगा मैं, लीटर में, लेकिन लीटर क्या है, वहाँ पे यूनिट है, क्या है, यूनिट है। मतलब मैटर को नापने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर यूनिट की नीड हुई, किसकी नीड हुई, यूनिट की नीड हुई। बात समझ पाया नहीं आया? और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिखने का टेक्निक होता है। लिखने का टेक्निक कैसे होता है, यहाँ तो हम लिखेंगे क्या, नंबर। बात समझ पाया? और प्लस क्या लगाएंगे, उसकी यूनिट। बात समझ पाया? मतलब मेजरमेंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मुझे किस चीज़ की नीड होती है, उसकी यूनिट की। अगर मैं कुछ बोल दूँ, जाओ एक आटा ले आओ, क्या समझोगे इसका मतलब? कोई मतलब नहीं भाई। एक किलो बोल रहे हैं, एक ग्राम बोल रहे हैं, एक पैकेट बोल रहे हैं, एक बोरी बोल रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। जब तक इसके सामने मैं यूनिट नहीं लगाऊंगा, क्या इसके बारे में पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। बात समझ पाया नहीं आया? ठीक, तो इस टाइप से मेजरमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की नीड हुई, यूनिट की। किस चीज़ की नीड हुई, यूनिट की, है ना? तो यहाँ पे देखो नॉर्मली कई सारे यूनिट्स प्रचलित हैं, जैसे कि आपने कभी सुना कोरी, सुना है कोरी, नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं कोरी, नहीं सुने आप लोग, है ना? सुने हैं, किसको बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से कई सारे यूनिट्स प्रचलित हैं ऐसे गांव वगैरह सब में, अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग जगह पे सब चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है? लेकिन इन सभी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली फॉर्म देने के लिए, एक जैसे कि आईपीएक नोमेनक्लेचर होता है ना, इंटरनेशनल है वो, है ना, सभी जगह उस चीज़ को माना जाएगा, वैसे यूनिट को सभी जगह मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ की नीड हुई, वहाँ पे क्या चीज़ का प्रपोजल दिया गया, कौन से यूनिट, एसआई यूनिट। क्या यूनिट, एसआई यूनिट। क्या फुल फॉर्म क्या है इसका, क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। बन जाएगा इतना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, है ना। खैर ये सारी चीज़ तो आपको पहले से पता है, फिजिक्स में आई थिंक ये हो चुका होगा पहले से, एसआई यूनिट है कि नहीं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो हल्की चीज़ एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी अपने नॉलेज के लिए अपने पास रख रहना, है ना। लिखिए, एक्चुअली होता है मेजर, ए फिजिक्स में पढ़े हैं क्या, मेजरमेंट के लिए पुराने समय पर दो टेक्निक्स थी, पता है, दो सिस्टम थे। हाँ वो तो है ही, है ना, और क्या क्या सिस्टम थे फ्रांस में यहाँ पे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, पता है, इंग्लिश सिस्टम क्या है, मैट्रिक सिस्टम, है ना, यहाँ लिखना। जो पुराने समय पे थे वहाँ पे मेजरमेंट के लिए दो टेक्निक्स दिया गया था, पहला था अपने पास में एक सिस्टम, एक होता अपने पास में इंग्लिश सिस्टम, एक होता है हमारे पास में क्या, मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना,
इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम दोनों को मतलब कि उस टाइम पे था, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता था किसको, मैट्रिक सिस्टम को। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, पहली बता रहे हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए याद रखना इस चीज़ को, क्लियर है। पुराने समय पे मैटर के मेजरमेंट के लिए कितने सिस्टम थे, दो सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, और इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलता था, मैट्रिक सिस्टम को। रीज़न क्या है भाई? ठीक है, पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको 18th सेंचुरी में प्रपोज किया गया था, कहाँ, इन फ्रांस, फ्रांस में। ठीक है, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक सिस्टम कहाँ प्रपोज किया गया, आपका आंसर क्या होगा, फ्रांस में। कब? 18th सेंचुरी में। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ याद रखना यहाँ पे, इसे ज़्यादा फॉलो किया गया, रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जो मैट्रिक सिस्टम था और डेसिमल को डेसिमल के बेसिस पे काम करता था, मतलब यहाँ पे डेसिमल अलाउड थे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं आपको बोल देता हूँ 2.5 किलो आटा लेके आना है, मतलब 2.5 kg, बात समझ पाया, लेकिन इंग्लिश सिस्टम पे डेसिमल अलाउड नहीं था, मतलब यहाँ 2.5 to 2.25 पे काम नहीं होता था, एक तो 2 kg आता या तो कितना आता 3 kg, यहाँ 2.5 to 1.5 कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे डेसिमल सिस्टम अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल क्या था, अलाउड था, जिस वजह से इसे ज़्यादा फॉलो किया गया और ये क्या हो गया उस टाइम पे पॉपुलर था, मैट्रिक सिस्टम। बन जाएगा इतना। ठीक, देखो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, सोच समझ कर रखा गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाला, जो आगे आपको सीखना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला के डाल दिया गया है ना, तो चैप्टर बहुत मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें करवा रहे हैं यहाँ पे, कल की क्लास में यहाँ पे हम जो है बहुत बेहतरीन चीज़ें करने वाले हैं आगे क्लास पे, है ना, मिटा दें। ठीक, यहाँ पे चलिए अगला हेडिंग बनाइए, एसआई यूनिट, अगला आपका बनेगा एसआई यूनिट, अगला हेडिंग लिखिए एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, आप लोग के टेस्ट चल रहे थे एग्ज़ाम में, स्कूल में टेस्ट हो गया ख़त्म, कितने कितने नंबर आए बताया, नहीं बताया, टेस्ट नहीं हुआ है, और बाकियों का आप लोग का आ गया कितना है केमिस्ट्री में, और बाकी में क्या है, कितना कितना आया, 13 मार्क्स, अच्छा 50 में कितना आया, मतलब बाकी कितने कितने नंबर्स के थे, 15 यूनिट टेस्ट था, और केमिस्ट्री में कितना बोले, 13। ठीक, और बाकी में भी उतना ही 13, 20, 12 ऐसे ही आया, कितने किसमें है, 15 किसमें है, 14, और बाकियों का भाई, एक ही स्कूल से है क्या, 11, 12, 15 में आप लोग का कितना आया, 30 का था, 15। तो हमने पढ़ाई तो नहीं है सबको, तो वही तो बोल रहा हूँ, जो चैप्टर आपका हुआ, जो चैप्टर हमने क्या पढ़ाई गया उस चीज़ को, है ना, जो हमने पढ़ाया था वहाँ से बताइए, सभी आपका हुआ नहीं है ना। चलिए लिखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है, इसको ये बोलिएगा, इंटरनेशनल यूनिट मत बोलना चाहिए ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये बोलना। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा लिखिए इस पे नीचे में एक लाइन, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट,
साइंड साइंड एस एच आई एस आई जी एन साइंड इन पेरिस साइंड इन पेरिस इन 1875 पे क्या हुआ कि पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ गया, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे इसको प्रपोजल किया गया था, किसको, एसआई यूनिट को, ठीक है, कब, 1875 पे। ये भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी याद रखना इस चीज़ को, है ना, अपने नॉलेज के लिए, ठीक। अब देखो इस पे हमारे पास में जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्या आपको पता है वो सारी चीज़ें, बताइए तो एक बार क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़े हैं जल्दी अभी तक। क्वांटिटीज है ना, अब उसका हमको बताना है सिंबल, ठीक है, और अपने को बताना है क्या यहाँ पे नेम ऑफ एसआई यूनिट, कितना है गुंजन केमिस्ट्री में, कितना है बताइए भाई, हाँ आया कितना टोटल मार्क्स, ये तो काफी गंदा स्कोर है, और बाकियों कितना कितना आया, बाकियों का कितना कितना आया, बाकियों का कितना कितना आया क्लास में, मेरा सब सर आपके में किसका आया टॉप और बाकियों का, केमिस्ट्री में हाईएस्ट मेरा था और बायो में हाईएस्ट था, बाकी में हाईएस्ट नहीं, तो किसका था भाई, अरे तो कुछ नाम होगा उनका, उनका बोर्ड्स में क्या हाल था, फिर भी क्यूरियोसिटी नहीं, मन में जलन नहीं आ रहा कि भाई हमने बोर्ड्स में इनको पीछे रखा था, अभी अलग हमको पीछे रख रहे हैं, फिर भी देखो मैं बता रहा हूँ, टॉपर होना अलग बात है, थ्रो आउट टॉपर होना अलग बात है, ठीक है, मतलब क्या थ्रो आउट टॉपर का मतलब क्या, हमेशा मतलब उसके आसपास कोई ना भटके, बात समझ पा रहे नहीं आ रहा, मतलब यदि हमारा किसी एग्ज़ाम में 14 में 15 आ रहा है तो बाकी हमारे आसपास भी ना रहें, 12 और 11 में ही हटके रहें, बात समझ पाए नहीं आया, मतलब आज ऐसा पढ़ो कि हमारे आसपास भी कोई मत भटके, थ्रो आउट टॉपर, टीचर को भाई 100% श्योरिटी है एग्ज़ाम लेने से पहले कि ये बंदा टॉप करने वाला है, तो हाँ तो इस टाइप से आप लोग को अपना इमेज बना कर रखना है ना, देखो हाँ देखो ज़्यादा लिखना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, अगर आपके कंटेंट में दम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ हाँ नहीं स्कूल टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, बट आपका बोर्ड्स का एग्जाम स्कूल टीचर थोड़ी चेक करेंगे, है कि नहीं, आप लोग बोर्ड्स के देखे हैं आंसर शीट, नहीं देखे हैं, चलिए स्कूल कराते हैं फिर आंसर शीट दिखाते हैं आपको ना कैसे लिखते हैं बोर्ड्स वाले, ताकि उनको मार्किंग सिस्टम कैसा होता है दिखाते हैं आपको, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक करंट सेकंड में क्या पढ़ा है आपने, सीक्वेंस से बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट फिर क्या पढ़ा है आपने, टेम्परेचर है ना, हम ऐसे ही लिखा देते हैं, चलो इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लिखो, इंटेंसिटी, जो आप लोग बोल रहे हो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आपने याद किया वैसे बताएंगे मेरे को, है कि नहीं, लेकिन ये जो सीक्वेंस हम देने वाले हैं इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ट्रिक बता देंगे है ना, अमाउंट टाइम मास लेंथ, ठीक है, अगर इतने चीज़ आपको पता है ना तो आप लोग बहुत से फॉर्मूला आप लोग खुद से बना सकते हैं, बहुत से यूनिट्स आप लोग अपने से बना सकते हैं, एग्जांपल करके दिखाएंगे, ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं ना, ठीक, एसआई यूनिट क्या होता है,
एम्पियर। सिंबल क्या होता है? ए। याद रखेगा इतना। ठीक, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है? टी। एसआई यूनिट क्या होता है भाई? केल्विन। ठीक है, बस समझ पाई। यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या? तीव्रता बोलते हैं उसको, है ना हिंदी में। चलिए क्या होता है भाई इसका? एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है इसका सिंबल? सीडी, है ना। अमाउंट क्या होता है? एन। एसआई यूनिट क्या होता है? मोल। सिंबल क्या होता है? एम ओ एल। आपने देखा होगा जब मोल लिखना होता है कभी कभी हम एम ओ एल ही लिख देते हैं, कभी कभी एम ओल, बस एम ओ एल भी बस लिखते हैं। एम ओ एल उसका सिंबल होता है ना। टाइम का क्या होता है भाई? सिंबल टी। एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सिंबल क्या होता है? सेक, एस ए सी। ठीक है, मास का क्या होता है? एम। एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सिंबल क्या, सिंबल क्या होता है इसका? केजी, है ना। लेंथ का क्या होता है? एल। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना, मीटर। और सिंबल क्या होता है इसका? एम। याद रहेगा इतना, इतना याद रहेगा क्या? ठीक, ये बेसिक बेसिक है। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने एसआई यूनिट देखा है, आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो काफ़ी चीज़, काफ़ी बहुत सारे आप लोग यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, वैल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ का वैल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर क्यूब होता है। आपको कैसे पता इसका मीटर क्यूब होता है? अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप बना सकते हैं। फॉर्मूला पता है क्या होता है? लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। मैथ्स पे फॉर्मूला है ये। क्या होता है इसका? लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, ये होता है हमारे पास में। अगर मान के चलो लेंथ किसी का एक मीटर है, विथ भी कितनी है? एक मीटर, हाइट भी एक मीटर। यह समझ पे आया ना? क्या जाएगा? अब इसका मीटर क्यूब क्या होता है? इसका यूनिट। बात समझ पा रहे नहीं आ रहा है भाई? ये लेंथ ही तो है, ये किस में नापूंगा उसको मैं? मीटर में, क्योंकि लेंथ का क्या होता है? मीटर, मीटर क्यूब। इस टाइप से आप बहुत सारे बना सकते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही है ये, इस टाइप से बनाना। वो बनाए हाँ, हाँ एसआई यूनिट वहाँ आपने बहुत अच्छे से बनाना सीखा होगा। मेजरमेंट करके एक है आपका, है ना। प्रबोध में तो, नवबोध प्रबोध में पूरा भर भर कर दिया है इसका, ऐसे पूरा चार्ट बना हुआ है। हाँ ठीक है, तो फिलहाल ये तो करोगे ही करोगे, ये बेसिक थोड़ा याद कर लिया है ना। इसके बेसिस पे कई बना सकते हो आप लोग, है ना। चलिए भाई, कैसे याद करोगे इसको? याद है, याद ही होगा। सीडी जानते हो? सीडी क्या को बोलते हैं? सीडी, सीडी नहीं जानते? सीडी, सीडी। अरे आज कितनी डीवीडी प्लेयर नहीं चलता था, सीडी वगैरह, तो उससे याद रखना। आज मतलब एम्पियर, एम्पियर क्या हो? एम्पियर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, ये तो याद रहेगा। केल्विन किसका है? टेम्परेचर। कैंडेला किसका है? इंटेंसिटी। मोल किसका है? अमाउंट का। सेकेंड किसका है? टाइम का। किलोग्राम किसका है? मास का। मीटर किसका है? लेंथ का। ये तो याद रहेगा। सीक्वेंस से कैसे याद रहोगे? आज कल क्या हो गया? आज कल सीडी मोल से किलोग्राम में बिकती है। आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है। आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है, याद हुआ? आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है, क्लियर? आजकल सीडी मोल से केजी में बिकती है, बन जाएगा इतना, याद रहेगा। आज कल सीडी मोल से केजी में बिकती है, याद हो गया इतना, है ना।